अयोध्या में सरकार के नए राज्यों के बसाने की नीति पर। दरअसल उत्तराखंड के 5 प्रमुख शहरों में धामी सरकार नई टाउनशिप का प्लान कर रही है। इस मिनी शहरों को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स का भी गठन किया। सरकार ने शहरों में बढ़ती आबादी के दबाव को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इन शहरों में रिहायशी क्षेत्रों के साथ ही IT कंपनियों सहित रोजगार परक संस्थानों के लिए विशेष रूप से स्थान आरक्षित होगा। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक सर्वे के बाद यह निर्णय लिया है कि राज्य में 5 नए शहर बनाए जाएंगे। इन मिनी शहरों को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञों के टास्क फोर्स का गठन भी किया है। जानकारी के मुताबिक सरकार ने शहरों में बढ़ती आबादी को देखते हुए यह निर्णय लिया है। शहरी विकास विभाग के प्रभारी सचिव SN पांडे के मुताबिक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो नए शहर बसाने की संभावनाएं तलाशेंगी। इस टास्क फोर्स में कई विभागों के सचिव शामिल हैं। CM धामी के मुताबिक वर्तमान में बसे शहरों में तेजी से आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। भविष्य में हमें इन शहरों के विस्तार के साथ ही नए शहर विकसित करने के बारे में भी योजना बनानी होगी, इसलिए उन्होंने नए शहर विकसित करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। नए शहर विकसित करने के पीछे CM पुष्कर सिंह धामी की मंशा है कि इन नए शहरों में रिहायशी क्षेत्रों के साथ ही IT कंपनियों सहित रोजगार परक संस्थाओं के लिए विशेष रूप से संस्थान आरक्षित होगा। इन नए विकसित किए जाने वाले शहरों के आसपास आई फार्मा, हॉस्पिटलिटी और अन्य तरह की इको फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाई जाएगी, ताकि लोगों को रहने के साथ ही काम का भी बेहतर माहौल मिले और वर्तमान शहरों से आबादी का दबाव भी कम हो। CM की सोच चंडीगढ़ के बाद जिस तरह से मोहाली को विकसित किया गया है, ठीक उसी तरह की है। चंडीगढ़ में आबादी का दबाव बढ़ने के बाद मोहाली को इसी तर्ज पर विकसित किया गया था, जिसका नतीजा पंजाब समेत देश के सामने है। दोनों एक दूसरे के टक्कर के शहर बन चुके हैं। नए शहर विकसित करने के लिए सरकार को मैदानी जिलों में 25 से 45 हेक्टेयर तक जमीन की आवश्यकता होगी। CM धामी की योजना 5 साल में 5 नए शहर विकसित करने की है। CM धामी की ये योजना कितनी परवान चढ़ पाएगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इससे पहले साल 2005 में तत्कालीन CM ND तिवारी ने भी नया देहरादून और फिर साल 2015 में हरीश रावत ने मुख्यमंत्री रहते देहरादून के पछवातून इलाके में नया शहर बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन ये योजना धरातल पर कभी नहीं उतर सकी। लेकिन धामी ने जो जनता से अब तक जो वादे किए हैं वो पूरे हो रहे हैं, इसलिए उम्मीद यही है कि जो कोई नहीं कर पाया वो धामी जरूर करेंगे। उत्तराखंड से NV न्यूज के लिए तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड में नई टाउनशिप की। जैसे चंडीगढ़ में जब स्थितियां बदली, उसके बाद से मोहाली को स्थापित किया गया और उसे विकसित किया गया, इसी तरीके से अब CM धामी इसी तर्ज पर कार्य करते हुए देहरादून और पूरे उत्तराखंड में कई ऐसे शहर नए विकसित करने जा रहे हैं। 5 शहर ये विकसित होंगे जहां से आबादी को कम किया जा सकेगा और रोजगार परक वहां पर तमाम चीजें और तमाम संस्थान जो है वो बनाए जाएंगे। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनका तारुफ एक फिर से आपसे करवा देते हैं। हेमंत द्विवेदी जी प्रदेश प्रवक्ता BJP से हमारे साथ मौजूद हैं, शिषपाल सिंह बिष्ट जी प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से, और हरीश मैखुरी जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का NV न्यूज पर। द्विवेदी साहब, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। जिस तरीके से 5 नए शहर बसाने की कवायद यहां पर अब शुरू की गई है, अगले 5 साल में ये 5 शहर विकसित किए जाएंगे, किस तरीके से यहां पर तमाम जो चीजें हम सोच रहे हैं, किस तरीके से सरकार के सामने चुनौतियां आप इसको लेकर देख रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार से राज्य की जो पुराने शहर हमारे उनकी आबादी को देखते हुए, यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार को देखते हुए,
यहाँ के संसाधनों के उपयोग, संसाधनों का किस प्रकार से उपयोग किया जाए, उस सर्वे के आधार पर सरकार ने निर्णय कि 5 नए शहर हम यहाँ पर बनाएंगे और इन मिनी शहरों को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष विशेषज्ञों की टास्क फोर्स का गठन कर दिया। देखिए शहर में बढ़ती हुई आबादियां जिस प्रकार से बढ़ी है उससे निश्चित ही जब हम छोटे छोटे हमारे ये नए शहर हमारे 5 शहर बनेंगे तो यहाँ के आसपास में जो है कि हमारा हॉस्पिटलिटी की वो बढ़ेंगी, इको फ्रेंडली इंडस्ट्री लगाई जाएगी ताकि यहाँ के लोगों को काम करने का भी एक माहौल मिलेगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि पुराने शहरों की आबादी जिस प्रकार से बढ़ गई है वो दबाव भी हमारा कम होगा और इसीलिए उन्होंने चंडीगढ़ की तर्ज पर जो है यहाँ पर भी इसी प्रकार से ये जो हमारे 5 नए शहर विकसित किए जाएंगे और उस पर बहुत तेजी के साथ में जो है कि आपको धरातल पर काम दिखाई देगा और उस पर काम शुरू भी कर दिया इन्होंने। तो निश्चित ही उससे जो है कि हमारी रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी, पुराने शहरों का दबाव हमारा कम होगा, नए नए लोगों को जी चलिए शायद संपर्क उनसे टूट गया है, आगे बढ़ते हैं। शीशपाल जी आवाज मिल पा रही है आपको जी? धामी सरकार जो है वो 5 नए शहर बसाने जा रही है, जीडीपी को बढ़ावा भी दिया जा रहा है जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, और अब 5 नए शहरों को बसाने की ये जो कवायद है किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि अगर 5 नए शहर बसेंगे तो वहां पर संस्थान बनेंगे, तमाम चीजें होगी, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और आबादी पर भी हम कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मुस्कान जी, मैंने कहा ना कि ख्याल बहुत अच्छा है, विचार बहुत अच्छा है, 5 क्या मैं कहता हूँ 50 नए शहर अगर सरकार बसा सकती है तो बसाने चाहिए, लेकिन मुस्कान जी हरीश राव सरकार ने ये बहुत गंभीरता से प्रयास किया था कि एक नया देहरादून में जरूरत थी नया शहर बसाया जाए, उसके लिए गंभीर प्रयास किए थे, तब इन लोगों ने सहयोग नहीं किया, बहुत विरोध किया, तब जो टी स्टेट की जमीन थी देहरादून में जो सैकड़ों एकड़ जमीन पड़ी है वहां पर ये प्रस्ताव था बसाने का, तब सभी लोगों ने विरोध किया। और देहरादून में मैं मुस्कान जी बता दूं कि अगर सरकार की ऐसी सद इच्छा है, यहाँ पर जमीन भी इतनी ज्यादा उपलब्ध है कि उसकी भी सरकार को दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आज गोल्डन फॉरेस्ट का जो 4 लाख हेक्टेयर जमीन उपलब्ध है यहाँ पर, और वो सुप्रीम कोर्ट उसमें कह चुका है कि इसका उपयोग सरकार कर सकती है, तो सरकार को करना चाहिए और गंभीरता से जो है इस पे आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन ये जो 5 नए शहर बसाने की योजना है मुखान जी, जब 2014 में देश को 100 नए स्मार्ट सिटी के सपने दिखाए गए थे तो आपने देखा जो नए शहर तो बन नहीं पाए, पुराने ही शहरों में थोड़ा रिपेयरिंग करके जो है काम चलाने का प्रयास किया गया, उनको नए शहरों का नाम देने का प्रयास हुआ, लेकिन जी लगता नहीं है कि जो है सरकार बहुत गंभीरता से इस पे आगे बढ़ पाएगी, अगर बढ़ती है तो अच्छी बात है। देखिए मुस्कान जी पिछले 6 सालों में क्या हुआ, आईटीआई 72 आईटीआई जो कांग्रेस की सरकार में खोले गए थे वो बंद हो गए हैं, पॉलिटेक्निक जो खोले थे वो बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं, सिडकुल में देखिए जो उद्योग धंधे खोले थे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना दे राज्य की वो उद्योग बंद पड़े हैं, आज बंदी के कगार में है, सब लोग बेच बेच के जा रहे हैं, नवोदय विद्यालय थे वो बंदी के कगार में उनको बंद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थिति नहीं सुधारी जा रही तो ये पर्यटन की स्थिति कैसे सुधारेंगे, पंडित पुरोहित इनके जो है आप देखें 4 धाम में विरोध कर रहे हैं उन्हीं को संतुष्ट कर पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है पर्यटन की नई योजना बनेगी, तो सरकार बातें बहुत अच्छी अच्छी करती है, सपने बहुत अच्छे अच्छे दिखाती है लेकिन योजनाओं को धरातल पर नहीं उतार पाती है। अब ये देखते हैं ये 5 नए शहर की अगर योजना धरातल पर कैसे उतरेगी, कहाँ से ये बजट का प्रावधान इसको करेंगे और ये फिर भ्रष्टाचार की भेंट ये योजनाएं नहीं चढ़ेंगी, ये सब दिलचस्प होगा देखने में, लेकिन अभी कुछ भी इस पे कहना जल्दबाजी होगी मुखान जी, और मैं तो सरकार को इसके लिए शुभकामनाएं ही दूंगा कि अगर वो ये 5 नए शहर अगर बता पाते हैं और इसको धरातल पर उतार पाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके हम सबके लिए बहुत अच्छी बात होगी, अच्छी बात होगी। ठीक है मैखुरी साहब, ये जो 5 नए शहर बसाने की कवायद अब शुरू की गई है, पहले भी ऐसे निर्णय लिए गए हैं, पहले स्मार्ट सिटी जो देहरादून है उसे स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही गई थी, वो कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है और अब 5 नए शहर बसाने की जो बात है वो कही जा रही है धामी सरकार द्वारा, किस तरीके से आप देखते हैं? क्योंकि पहले की सरकारों में भी ये कहा जा चुका है, कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है इस पर। चलिए संपर्क उनसे टूट गया, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। द्विवेदी साहब आवाज मिल पा रही है आपको?
हेमंत द्विवेदी जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड में 5 प्रमुख शहरों में धामी सरकार ने नई टाउनशिप का प्लान किया है, इसमें अब पहले की सरकारों में भी ये तमाम चीज़ें जो है वो जारी थी, लेकिन पहले की सरकारों में ये जो कार्य है वो पूर्ण नहीं हो पाया। अब धामी सरकार ने इसके लिए टीम का भी गठन कर दिया है, टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया है। अब देखना होगा कि धामी सरकार किस तरीके से इस कार्य को पूर्ण कर पाती है। अभी तक के धामी सरकार के कार्यों को जो वायदे उन्होंने किए वो लगभग पूरे हुए हैं, इसके लिए जनता भी ये सोच रही है कि इस बार वाकई ये कार्य जो है वो पूर्ण होगा। लेकिन अगर बात करें देहरादून की, तो स्मार्ट सिटी जिसको बनाने की कवायद की गई थी वो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई है, ऐसे में जनता को विश्वास करना कहीं ना कहीं मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन अगर ये 5 नई टाउनशिप जो है वो स्थापित होती है उत्तराखंड के 5 प्रमुख शहरों में, तो कहीं ना कहीं आबादी के दबाव को देखते हुए ये जो निर्णय है ये सार्थक साबित हो सकता है, क्योंकि चंडीगढ़ की तर्ज पर अब सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है उन्होंने ये निर्णय लिया है, और अब ये देखना होगा कि किस तरीके से ये निर्णय उनका कारगर साबित होता है। चलिए मैक्रो साहब आवाज मिल पा रही है आपको? जी, जिस तरीके से अब हम बात कर रहे हैं कि धामी सरकार ने 5 नए शहर जो हैं उनमें मतलब नए शहर बसाने की जो कोशिश है वो जारी की है, पहले की सरकारों में भी ये फैसले हुए थे। हम देहरादून को देख सकते हैं, स्मार्ट सिटी कहा जाने लगा है, लेकिन अभी तक वो स्मार्ट सिटी बनी नहीं है, तो क्या इस पर विश्वास करना सही होगा धामी सरकार ने जो है निर्णय लिया? नहीं, उसमें नुकसान जी ये है जो 5 नए शहर बनने हैं वो कोशिश ये है कि जो छोटे कस्बे हैं कुछ उनको हम डेवलप कर सके हैं, और हमारा तो उसमें सुझाव है कि जो गैरसैंण में भराड़ी सैंण एक नया हमारा डेस्टिनेशन रहेगा भविष्य का, पर्यटन का भी, और उत्तराखंड की राजधानी भी रहेगी, अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने, रितु खंडेल जी ने वहाँ पे बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए, बहुत सारी घोषणाएं की, करोड़ों योजनाओं का उद्घाटन किया जी। तो उस तरह से हम एक भराड़ी सैण को भी उसमें सम्मिलित करना चाहेंगे, एक नए शहर के रूप में विकसित हो। जहाँ तक स्मार्ट सिटी की बात है, ये केंद्र का प्रोजेक्ट है, देहरादून का सौभाग्य है उत्तराखंड का कि ये उस स्मार्ट सिटी प्रोग्राम में चयनित हुआ है, क्योंकि ये शहर पहले से ही कुछ मतलब ये समझ लीजिए कि अंग्रेजों के जमाने का बसा हुआ शहर है, उस समय की बसावट के हिसाब से अब इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होने हैं। और 2000 में जब राजधानी की घोषणा हुई और माननीय मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी के नेतृत्व में उस समय देहरादून को बसाने का काम शुरू हुआ, राजधानी के रूप में डेवलप करने का काम शुरू हुआ, उसके बाद एनडी तिवाड़ी ने यहाँ पे काफी कोशिशें की, कुछ सड़कें विकसित की शहर की। अब मोदी सरकार ने 100 स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत जो देहरादून शहर को रखा हुआ है उस पे काम चल रहा है, लेकिन ये एक दिन में होने वाला काम प्रैक्टिकली है भी नहीं, इस पे बहुत सारे हडल्स भी हैं, कई दुकानदार जो हैं वो एनक्रोचमेंट जो हो रखा है व्यवसाय कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तमाम दुकानदारों के थ्रू, तमाम सड़कों के अनियंत्रित तो बिल्डर्स ने जो एनक्रोचमेंट कर रखे हैं, जो यहाँ पे भू माफिया उत्तराखंड में लगा हुआ उसने आधा देहरादून निगल डाला है, तो उन सब के बीच ही स्मार्ट शहर का काम भी हो रहा है। अगर कुछ करते हैं तो तुरंत कोर्ट कचहरी भी आ जाती है, तो उस हिसाब से कुछ चल तो रहा है, लेकिन बहुत ही कछुआ चाल से चल रहा है काम। और इतना छोटा शहर हमारा, करोड़ों अरबों की परियोजना है स्मार्ट शहर को बनाने की, उसको देखते हुए भी उस स्पीड से काम नहीं हो रहा है जिस स्पीड से ये होना चाहिए। लेकिन मैंने इसके हडल्स भी बताए कि एक तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो भू माफिया है उसका कब्जा है, बहुत सारे मतलब अनियंत्रित प्लॉटिंग उसने कर रखी है, एक एक जमीन को तीन तीन चार चार बार बेच दिया है, पूरे उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो ठगे रह जाते हैं, इनकी रकम हड़प के भू माफिया जो है देहरादून को एक एक प्लॉट को कई कई लोगों को बेच चुका है, उस पर नियंत्रण की सरकार की कोई एजेंसी नहीं है। उसी तरह से जो देहरादून शहर है उसमें जो विकास कार्य चल रहे हैं उस पर कोई लठ बजाने वाली एजेंसी नहीं है, जो अतिक्रमण हटाए तब तो जो काम है वो चले, तो कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। राजनीतिक जो दल है वो किसी से बेमनस्ता लेना नहीं चाहते हैं, बल्कि जो हमारे काम करने अधिकारी हैं उन पे भी नकेल कसते हैं, तो ऐसे में काम होना बड़ा मुश्किल है। मैं पलटन बाजार को देख रहा था, उसका ऐसा भटिया भंग हो रखा है,
जो कुछ काम चल भी रहा था पल्टन बाजार में, अब वो सारे व्यापारियों का दबाव है, आप कहाँ काम कर पाएंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टी उसमें इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं होती। कोई अधिकारी अगर जोर जबरदस्ती करता भी है तो उस पर अंकुश कस देता है। देहरादून शहर को थोड़ा सा जोशी बीच में यहाँ पे हमारे आए थे, उन्होंने काफी हद तक जो यहाँ पे अतिक्रमण है उसको हटाने की कोशिश की, लेकिन जोशी के हटते ही जो है वो जो SSP थे यहाँ पे जोशी, तो उसके हटते ही फिर वही पूरा शहर में लोगों ने अपनी रेडी और ठेली का शहर बना दिया है। देहरादून को कुरूप कर दिया है, विद्रूप कर दिया है, उस पर काम होने की आवश्यकता है। जी ठीक है, विष्णु साहब आवाज मिल पा रही आपको? चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। द्विवेदी साहब आपको आवाज मिल पा रही है? हेलो जी हेमंत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? मुस्कान जी, हेलो हेमंत जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 5 नए शहरों को बसाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, टाउन हॉल को डेवलप करने की बात कही जा रही है। चलिए शीशपाल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुस्कान जी, मिल रही है। अभी जिस तरीके से मैकुरी साहब ने कहा है, तमाम बातें कही है, और आप भी ये बात कह रहे थे कि पहले भी नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा कि संभावनाएं पहले भी तलाशी गई थी। आपके नजरिए में ऐसी कौन सी वो चीजें हो सकती है जो सरकार को फायदा पहुंचा सकती है? क्योंकि अगर एक विकल्प के तौर पर आप दे सकें 5 नए शहरों को डेवलप करना, काफी बड़ी बात हो जाएगी देहरादून में, पूरी राजधानी जो है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड जो है उसमें कई नए आयाम स्थापित होंगे, पलायन को इससे रोका जा सकता है कहीं ना कहीं। देखिए मुस्कान जी, मैंने कहा कि योजना बहुत अच्छी है अगर सरकार ये कर पाए, और अभी ये नहीं कि देहरादून के आसपास ये 5 नए शहर बसाने की योजना है या पूरे प्रदेश के अंदर ही अलग अलग जगह पर बसाएंगे, तो सरकार को तय करना है। और मैंने कहा कि देहरादून में कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर जमीन बहुत ज्यादा उपलब्ध है। अकेले गोल्डन फॉरेस्ट की जमीन, मैंने आपको कहा 4 लाख हेक्टेयर जमीन है जो अतिक्रमण और जो है भू माफियाओं की भेंट चढ़ चुकी है, जिसमें बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स और बड़े बड़े जो है आप शॉपिंग हाउस और आप बड़ी बड़ी कॉलोनियां बस गई है, वो सारी ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की है। तो और आगे क्यों नहीं उसको खाली करा के जो 4 लाख हेक्टेयर जमीन बची हुई है, वो पूरा देहरादून का सहजधारा रोड है, आप पूरा पछुआ दून में वो जमीन विकास नगर तक बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, वहाँ 5 नए शहर के आप 50 नए शहर बसाए। और लेकिन मैंने यही कहा ना कि आप गंभीरता से अगर इस पर काम करेंगे तो बहुत अच्छी योजना है। सरकार इस समय केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में दूसरी बार प्रचंड जनादेश मिला है, प्रदेश की जनता ने एक बड़ी उम्मीद के साथ कि राज्य का चौमुखी विकास होगा, राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसीलिए आपको जनादेश दिया तो आपको काम तो करना ही चाहिए। लेकिन आप जिस प्रकार से मुस्कान जी कह रही थी कि यहाँ पर जो है जल विद्युत के लिए भी ये नई योजना ला रहे हैं, आपको मैं याद दिला दूं कि जो 56 जल विद्युत परियोजनाओं का घोटाला है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चली थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चली चढ़ी थी, और जो मैकरू जी यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं गिना रहे थे पहले, वो सारी की सारी कांग्रेस पार्टी की सरकार में बनी है। कांग्रेस ने तो ऊर्जा प्रदेश के सपने को साकार करने के लिए पहले जितना कुछ बंद पड़ा था उतना करने का प्रयास किया था, और आगे भी भविष्य में मौका मिलेगा तो निश्चित करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो यहाँ पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय ग्राम सभाओं की भागीदारी हरीश रावत सरकार में बड़ी थी, और उन्होंने कुछ परियोजनाओं को ट्रायल के तौर पर ग्राम सभाओं को सौंपा था, वो बहुत सफल रहा। केवल एक ही जल विद्युत परियोजना है जो अभी तक उसमें धरातल पर नहीं उतरी, बाकी सब उतरी है। तो यहाँ पर क्योंकि जो विरोध होता है जल विद्युत परियोजनाओं में मुस्कान जी, वो जब बाहर के लोग यहाँ पर आकर के जल विद्युत परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करते, क्योंकि स्थानीय लोगों की होना चाहिए तो उनकी, क्योंकि वहां पर उनका सांस्कृतिक रूप से आप कहिए उनके पुश्तैनी जमीनें उसमें उपयोग में आती हैं, तो अगर आप उनको केवल एक मजदूर के तौर पर ही देखेंगे, आप देखेंगे कि साहब इनको केवल 2-4 इनके डंपर और ट्रक लगा देंगे और इनको वहां पर जब तक परियोजना का काम चलेगा तब तक वहां पर दिहाड़ी मजदूरी पर रखेंगे, तो ऐसे तब विरोध होता है स्थानीय स्तर पर। लेकिन स्थानीय लोगों की भागीदारी अगर सरकारी स्तर पर ही सुनिश्चित हो जाएगी तो निश्चित जल विद्युत परियोजना की कोई भी योजनाएं और कोई भी नई योजना
योजना अगर सरकार बना रही है, इन चीजों का अगर वहाँ पर ध्यान रखेगी तो निश्चित तौर पर ये योजनाएं आगे सफल होंगी और राज्य का जो ऊर्जा प्रदेश का सपना सरकार देख रही है, सभी लोगों से अगर विचार विमर्श करेगी तो साकार होगा। क्योंकि राज्य के विकास के लिए कोई भी योजना हो, चाहे आप 5 नए शहर बसाना चाहते हो, चाहे आप नई पर्यटन नीति बनाना चाहते हो, चाहे नई ऊर्जा नीति बनाना चाहते हो, सभी लोगों से अगर आप व्यापक विचार विमर्श करके अगर सभी पक्षों से धरातल पर उतारते हैं तो निश्चित तौर पर राज्य हित की कोई भी योजना होगी उसका समर्थन होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। पर मैंने मुस्कान जी ये कहा कि मनसा, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर सचिवालय में बैठकर यहाँ से हिलना नहीं चाहती, पहाड़ नहीं चढ़ना चाहती, आज जो गैरसैंण राजधानी के मसला अभी तक उलझा हुआ है, ज्यादातर ब्यूरोक्रेट की इच्छा शक्ति के कारण उलझा हुआ है। और जो यहाँ के राजनेता हैं, जो सफेद पोश हैं, चाहे उसमें हम हैं या कोई भी है, ये सब भी ईमानदार नहीं है पहाड़ के विकास के लिए, पहाड़ चढ़ने के लिए, तो इसीलिए ये सब दिक्कतें आ रही है। अगर आप वास्तव में उत्तराखंड का विकास चाहते हैं, उत्तराखंड को अगर आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो सभी पक्षों से आपको बातचीत करके और जो भी कठिनाइयां भविष्य में आनी है उसको सबको जो है आप नोटेड करें, उसको उसका संज्ञान लें, और अगर इस सबको ध्यान में रखते योजनाएं बनाएंगे तो क्यों सफल नहीं होगी, आगे बढ़ेगा राज्य को बढ़ते हुए सभी लोग आगे देखना चाहते हैं मुस्कान जी। और निश्चित तौर पर प्रदेश में बेरोजगारी आज बड़ी चुनौती है और प्रदेश में जो पलायन बेतहाशा तौर पर बढ़ रहा है, राज्य के नौजवान, कल ही में एक रिपोर्ट दिख रहा था कि 56,000 मतदाताओं ने पलायन किया है अभी पिछले वर्षों में, जो बहुत चिंताजनक बात है। और 56,000 मतदाताओं का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परिवारों ने प्रदेश से पलायन करा होगा पर्वतीय जनपदों से, ये सुरक्षा की दृष्टि से भी ठीक नहीं है और राज्य के लिए बिल्कुल ठीक है ही नहीं है, ये दिक्कतें हैं मुस्कान जी। और सरकार को निश्चित तौर पर व्यापक विचार विमर्श के बाद ईमानदारी के साथ, गंभीरता के साथ इन परियोजनाओं को धरातल उतारने के लिए प्रयास करने चाहिए। ठीक है द्विवेदी साहब, अब सीधे सीधे शेषपाल जी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की इच्छा शक्ति की वजह से ही कई योजनाएं हैं जो धरातल पर उतर नहीं पाती है, उसको लेकर क्या करेंगे आप फिर? हेमंत जी आवाज मिल पा रही है आपको? हरीश मैकुरे जी आपको आवाज मिल पा रही है? तो उत्तराखंड के 5 प्रमुख शहरों में धामी सरकार नई टाउनशिप का प्लान कर रखी है। इन मिनी शहरों को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स का गठन भी कर दिया है। अब देखना होगा कि ये जो टास्क फोर्स है वो किस तरीके से कार्य करती है और उत्तराखंड में धामी सरकार का जो ये लक्ष्य है वो किस तरीके से सार्थक हो पाता है। जिस तरीके से धामी सरकार ने ये फैसला किया है और तमाम अब लोग कह रहे हैं कि पहले भी इन शहरों को बसाने की कवायद की गई है लेकिन वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया, लेकिन अभी धामी सरकार जो है उन्होंने इन नए शहरों में रिहायशी क्षेत्रों के साथ ही IT कंपनियों सहित रोजगार परक संस्थानों के लिए भी विशेष संस्थान आरक्षित होगा, ये उन्होंने कहा है। मैकुरे साहब आवाज मिल पा रही है आपको? जी चलिए, अब जिस तरीके से शेषपाल जी ये कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की इच्छा शक्ति जो है उसकी वजह से कई योजनाएं धरातल पर उतर नहीं पाती है, तो उसको लेकर भी कई चुनौतियां धामी सरकार के सामने होंगी, क्योंकि हमने ब्यूरोक्रेट्स की इच्छा शक्ति का तो कई बार ऐसा देखा है कि कई बार तो अधिकारियों और मंत्रियों के बीच तक नहीं बनती है। किस तरीके से कई कई चुनौतियां जो है वो सामने आने वाली है सरकार के सामने? मुस्कान जी, उत्तराखंड का ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जब हमारा राज्य बना तो उस समय जो लखनऊ में बहुत चिंतित परफॉर्मेंस, लो परफॉर्मेंस थी, उस तरह के बहुत सारे अधिकारियों को उत्तराखंड भेजा गया। तो
तो अब वो यहाँ विधानसभा में जमे हैं, राज्यसभा में मतलब क्या बोलते हैं सचिवालय में जमे पड़े हैं। अब वो जो अधिकारी हैं वो जो फाइल आती है उसको आगे खिसकाते ही नहीं है, दस्तखत नहीं करते हैं, घुग्गी नहीं बिठाते हैं। इस कारण भी बहुत सारी योजनाएं सरकार की धरातल पर नहीं उतर पाती हैं, टाइमली वो आगे नहीं खिसक सकती हैं फाइलें, इस कारण भी बहुत सारी परियोजनाएं सरकार की लटक जाती है। और कभी कभी अधिकारी जो है वो जोखिम नहीं उठाना चाहता है, जो विभाग के नियम होते हैं तो उसका एब्रिविएशन बेसिकली अधिकारी को ही करना होता है उसकी व्याख्या, तो वो इस तरह की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि ताकि हडल्स हो जाए, काम रुक जाए। तो ये समस्या तो उत्तराखंड में बनी हुई है, इसी कारण जो राजनीतिक नेताओं की कुछ इच्छा शक्ति हो भी तो वो प्रैक्टिकली उतर नहीं पाती है। तो इस पर निश्चित रूप से सरकार को अंकुश तो लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस अधिकारी के फाइल जो है किस अधिकारी के टेबल पे कितने महीने कितने साल से रुकी पड़ी है, तो उस पर भी जवाब तलब करना होगा, तब जाके ये हो सकता है, नहीं तो रुकी ही रहेंगी। सरकार विकास करना चाहती है तो अगर अधिकारी भी उसमें सहयोग नहीं करेंगे उसी स्पीड से, उसी तन्मयता से, उसी इच्छा शक्ति से, तो ये विकास के काम रुके रहेंगे, पीछे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हेमंत जी, अभी आवाज मिल पा रही है आपको? मिल रही है आवाज जी। अभी इसी सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी। शिष्यपाल जी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की बड़ी समस्या है इस समय उनकी इच्छा शक्ति की, और सरकार भी पहाड़ चढ़ना नहीं चाहती है, वो ये कह रहे हैं, तो आखिर कार्य किस तरीके से होगा फिर? देखिए ऐसा है कि सरकार को कौन चला रहा है, और अगर अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी, ये हमारी सरकार है कि आपने देखा होगा कि समाज कल्याण में आईएएस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनको निलंबित किया गया, उनके खिलाफ विजिलेंस जांच हुई, अभी फॉरेस्ट के आईएएस अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ब्यूरोक्रेट जो है कि ब्यूरोक्रेट सामने वाली सरकार कैसी, उस सरकार की उसकी इच्छा शक्ति और उसकी ममता पर कब करता है। और इस समय सरकार में जो तालमेल है, ब्यूरोक्रेटों की जवाबदेही मुख्यमंत्री जी ने तय की हुई है, सबको एक टाइम बॉन्ड के साथ में काम उनसे लिया जा रहा है, और निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि देखिए सरकार की मंशा पूरी साफ है, काम करने वाले अधिकारी जो है कि काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, अब ये देखना काफी अहम होगा कि इन योजनाओं पर काम किस तरीके से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से धामी सरकार ने सबका विकास के लिए ये सबका दिल जीत लिया है, और अब वो चाह रहे हैं कि सबके विकास के लिए नए शहरों का विकास किया जाए, देखना होगा कि किस तरीके से धामी सरकार इस कारगर योजना को जमीनी स्तर पर अमलीजामा पहना पाती है। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB News। नमस्कार।